हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। आज के व्लॉग में अब मैं दिखाऊंगा कि हम जो अपना फ़िश पॉन्ड बना रहे हैं तो उसके लिए कौन सी फ़िश डालनी चाहिए उसके अंदर, और वहाँ पे जो थोर है मैं उसको साथ में लेकर जाऊँगा पेट शॉप पे साथ में। तो देखते हैं, थोर के भी रिएक्शन देखेंगे, अलग अलग फिशेज को देखेगा, एक्वेरियम्स को देखेगा, और शायद वहाँ पर थोर की जो सिस्टर है शाशा जो पहले व्लॉग में आई थी वो भी मिल जाए। तो चलो चलते हैं, आगे कंटिन्यू करूँगा मैं। तो भाई आज थोर आया हुआ है इसकी बहन से मिलने, इसकी सिस्टर है शाशा उससे मिलने। दूसरा हम एक फिश शॉप पे जाएंगे, देखेंगे अपने पॉन्ड में कौन कौन सी फिश डालनी है, मतलब हमने डालनी है कई सारी, देखेंगे उनमें से आप बताना जोन से आपको पसंद आए। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ है बायोटॉप एक्वेरियम भी बोलते उसे, और मतलब मैं दिखाऊँगा फिर आपको समझ आएगा क्या है वो, अगर आप कहोगे तो हम वो भी बनाएंगे घर पर। तो चले सर चले। फिश देखते हैं कौन कौन सी है अंदर, अपने कौन सी लेनी है, कौन से अपने पॉट के अंदर डाल सकते हैं, ये सरप्राइज है, ये मत दिखाना भाई, ये लास्ट में दिखाएंगे। हेलो, ये इस शॉप का सबसे फेवरेट टैंक है मेरा, कितनी ग्रीनरी है, ये एंजल फिश है, ये तो होगी भाई, ये है गोल्ड फिश, मोस्ट कॉमन फिश है ये, जहाँ तक मेरे को याद है ये सिकलेट है,
ग्रीन टेरर शायद, मुझे ये आपको नाम पता हो तो मुझे बता देना, वैसे मेरे को याद है पर ध्यान से निकल चुका है जो। ये ऑरेंज और येलो कलर में है ये वाली फिश, ये वाली, ये है पैरेट फिश, सिकलेट ही है ये भी, सिकलेट फिश की है। ये है मोली, येलो और जो ब्लैक है, ये लाइव पैरेट फिश है। ये भी आप टैंक में डाल सकते हैं, अपने फिश पॉन्ड में डाल सकते हैं। और कौन सी, और ये नीचे भी है, ये टेट्राज है, इसमें वाइट मोली है, ये वाली टेट्राज है, ये वाइट मोली है, और ये गुरामी है, ये भी मोलीज है। अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज की होती है मोलीज, पर इसके नाम नहीं पता मेरे को इतना ज़्यादा। अच्छा, अब कई लोगों की कमेंट आई थी कि जैसे कोई फिश डालो, कोई फिश पॉन्ड के अंदर, तो कोई फिश भी है इधर, तो वो भी देख लेते हैं। ये सबसे नीचे वाले में ये कोई फिश है, ये सारी, ये जो कलर्ड है ना, ये कोई फिश है, वाइट कलर की भी देखो कोई है, मिल्की कोई, और ये भी एक कोई, ये भी है। ये हम ये वाली फिशेस डाल सकते हैं अपने पॉन्ड में, रिकमेंडेड होती है ज़्यादातर ये पॉन्ड में, यही फिशेस चलती है। जो जो कह रहे थे कि आप ऑस्कर वगैरह डालो, तो मॉन्स्टर फिश, जो मॉन्स्टर टैंक अपने कहने की बात हो रही थी, तो ऑस्कर ये रही, कितने बड़े मेरे हाथ के साइज की ऑस्कर है ये देखो, ये भी, और ये रही वो बड़े साइज में, वही कैट फिश होती है, इसको शार्क बोलते हैं लोग, ये रही, ये अपने पॉन्ड में एक नंबर लगेगी भाई, हद पार सुंदर चीज है ये तो। तो ये भी आप बता सकते हो कि हम ये डालें या ना डालें। और छोटा सा हेल्प देने की ये भी है, छोटी छोटी सिकलेट्स हैं, इसमें बच्चे पैदा हुए हैं चिकलेट्स के खुद, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये ब्रीडिंग टैंक ही है इनका, ब्रीडर टैंक है ये, इसके अंदर ये फिश अपने आप, मतलब कि अपने आप तो नहीं, इनको एक इको सिस्टम तैयार करके दिया हुआ है। देखो इसमें बहुत सारी हाइडिंग स्पेस है इनके लिए, प्रॉपर एक माहौल क्रिएट करा गया है इसके अंदर, इनको ज्यादा डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती ना, इसके ऊपर ज्यादा लाइट है, क्योंकि लाइट कम होगी ना, जितनी लाइट कम होगी ना, तो उतना ही सोचेगी कि हम बिल्कुल अलग है, मतलब आराम, मतलब ज्यादा इनके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है, जितनी डिस्टर्बेंस कम होगी उतनी अच्छी इनकी ब्रीडिंग होगी। तो ये छोटी छोटी फिश ये ब्रीड करी हुई है, चिकलेट ही है ये, चिकलेट कई, हाँ इस चिकलेट में भी दिक्कत है, कई इसे चिकलेट बोलते हैं, कई इसे सिकलेट्स बोलते हैं, तो मैं तो सिकलेट्स बोलता हूँ, और होते भी सिकलेट्स ही है। तो फिश पॉन्ड के लिए ये वाली फिशेज आप डाल सकते हैं, तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये वाली डालें या इनके अलावा कोई और डालें, क्योंकि मोस्ट कॉमन या तो मोली फिश डालते हैं लोग, या फिर अपने ये कोई मैंने अभी दिखाई थी जो कोई होती है, या ज्यादातर अगर मॉन्स्टर टैंक बनाना है तो ऑस्कर वगैरह या जो शार्क वगैरह होती है, जिनको शार्क बोलते हैं, जैसे ये वाली थी, इसको शार्क बोलते हैं, बड़ी शार्क नहीं होती है, कैटफिश की कैटेगरी होती है ये वाली, जो ये है ये कैटफिश की कैटेगरी है, या फिर ये डाल सकते हैं, और गोल्ड फिश वगैरह ये कॉमन चलती है। अब मैं दिखाता हूँ जो सबसे बेस्ट चीज है यहाँ की, वो है ये, कितना सुंदर है, हद से ज्यादा सुंदर चीज है ये, नीचे यहाँ पे फिशिंग है, देखो ये गोल्ड फिश, ये सारी गोल्ड फिश है ये, इसका नाम भूल गया मैं क्या था, और ये अंडा, ये शायद नाम भूल गया मैं इसका, ये भी गोल्ड फिश की स्पीशीज है। तो ये बताओ ये कितनी सुंदर चीज है, हद पार सुंदर चीज लग रही है मेरे को तो ये इसमें प्रॉपर आप ये देख सकते हो, मतलब ये एक ना हैबिटेट है, एक छोटा सा हैबिटेट इकोसिस्टम क्रिएट करा गया है, जहाँ पे प्लांट्स, ये लाइव प्लांट्स है, ये सारे लाइव प्लांट्स है, ठीक है, ये मॉस है, और ये देखो ये वाटरफॉल की तरह जो होता है, पानी गिरने लग रहा है, छोटा सा वाटरफॉल है, यहाँ से पानी गिर गिर के ये सीधा इसके अंदर गिरने लग रहा है, देखो, और ये पानी भी इसमें से ही लेके, जो वो नीचे मोटर रखी हुई है, इस मोटर में से ही पानी टैंक का ऊपर जा रहा है, नीचे फिल्टर होके फिर ऊपर से आ रहा है पानी,